गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रोहित नेगी व्लॉग्स। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। सो आज का प्लान कुछ इस तरह है कि हम जा रहे हैं माहौली ट्रैक। ऑफिशियली ये मेरा फर्स्ट ट्रैकिंग होगा बिकॉज इसके पहले मैं आज तक ट्रैकिंग कभी गया नहीं, वो भी इतने हाइट पे। हम जा रहे हैं चार लोग बाई बाइक, अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स दिखा रहा है यहाँ से गूगल मैप से। एंड लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है। मैंने बताया कि मेरा फर्स्ट ट्रैक है, सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस ट्रैकिंग। लेट्स सी आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप नए हो मेरे YouTube चैनल पे, सो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ से सुबह जल्दी निकलते हैं सो दैट वहाँ पे जल्दी पहुँच सके, बिकॉज ट्रैकिंग करने वाले हालत ख़राब हो जाएगी अगर हम धूप में करेंगे तो। अमेजिंग व्यूज दिखेंगे आई होप सो, बिकॉज मैंने ये ट्रैकिंग के बारे में काफ़ी सुना है। सो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है, मिलते हैं वहाँ पर। जय श्री राम। Tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight. There's something inside. सुबह के बज रहे 5:30। अभी यहाँ से 68 किलोमीटर्स है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। फाउंटेन में खड़े हम जाते टाइम, अभी यहाँ से 2 घंटा बता रहा है, देखते हैं कितना जल्दी हम पहुँच सकते हैं। 7:30 तक हम शायद तक पहुँच जाएंगे, तब तक आप जर्नी का मज़ा लीजिए। बज रहे और हमने यहाँ पे हॉल्ट लिया है खाने के लिए। सुबह सुबह निकले थे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, अभी ठंडी है तो फिर सोच रहे कुछ गर्मा गर्म सनसनी मिसल पाव हो जाए तो मज़ा आ जाए। लगभग 20 मिनट का रास्ता है यहाँ से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो सोच रहे कुछ खाकर निकले, आराम से निकले वहाँ तक। यार इसकी चाय इतनी इतनी बढ़िया है, मतलब क्या बताऊँ मैं दूसरा कप पी रहा हूँ। मैं चाय इतना पीता नहीं हूँ बट ये चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इलायची का टेस्ट इतना आ रहा है इसमें, मिसल पाव भी इतना टेस्टी था, वो तीखा था बट बहुत मज़ा आ गया यार। अभी बस हम निकल रहे हैं यहाँ से, 20 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे वहाँ पर। अगर आप हाईवे से सीधा सीधा आओगे तो ये बोर्ड दिखेगा आपको, यहाँ से लेफ्ट लेना है। गूगल मैप में अगर आप लोकेशन डाल दोगे माहौली फोर्ट का तो वो आपको लेके जाएगा। अभी यहाँ से लेफ्ट लेके हमें 5 किलोमीटर तक जाना है, सो विद इन 5 किलोमीटर्स हम अपनी डेस्टिनेशन में होंगे। जाना है वहाँ वो फोर्ट, एक्चुअली यहाँ से फोर्ट तो दिख नहीं रहा बट बड़े बड़े माउंटेन जो है उसी में से एक कोई लोकेशन पे है माहौली फोर्ट। अभी हमें जाकर ही पता चलेगा, बस और 5 मिनट की दूरी पे है। 5 minutes later. सो गाइज 8:10 बज रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं माहौली फोर्ट। अभी हमको ट्रैकिंग करके ऊपर जाना है, टाइम लगेगा लगभग 2 घंटे तो लग ही जाएंगे शायद तक। बाइक राइड से आते हुए इतनी ठंडी लगी है मत पूछो, बट क्योंकि हमने मिसल पाव खाया था, ओहो झनझनीत मिसल पाव, इतना तीखा स्पाइसी। यहाँ का लोकेशन बहुत ही अच्छा है, अभी एक्चुअली हमें एंट्री आगे से मिलेगी, शायद से 30 रुपीज़ चार्ज है एंट्री का। अजून नहीं गए का? नहीं। अरे बाप, ठीक है बाप,
और भाई ने एक लकड़ी का जुगाड़ कर लिया है ट्रैकिंग के लिए। ये है माउली फोर्ट का एंट्रेंस, अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। एंट्री का 30 रुपीज़ पर पर्सन लग चुका है, हम चार लोग हैं, 120 रुपीज़ टोटल। और अभी यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है भाई। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है आने वाला। क्या बोल रहे हैं? रहने के लिए भी है। किधर रहने के लिए? 200 रुपये, मतलब नाइट स्टे, कैंपिंग? हाँ, नाइट स्टे कभी भी, 24 आवर्स। वाओ यार, ये तो सही है कि उन्होंने बोला। यार ये लोकेशन बहुत ही अच्छा है, आप झाड़ियों के बीच में रहोगे, एकदम नेचर के बीच में रहने का मजा अलग ही होता है। ये सब छोटे छोटे कॉटेजेस हैं यहाँ पे रहने के लिए। अगर आप फ्रेंड्स लोग आ रहे हो, बहुत सारे लोग आ रहे हो, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे रहने का। हमने इसलिए इतने सुबह आए बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि यार लेट आके फिर ट्रैकिंग करते वक्त थकान हो, बिकॉज धूप में ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। एक टाइम पे इंसान चल भी सकता है लेकिन चढ़ नहीं सकता। बट लोकेशन बहुत अच्छा है इसलिए मज़ा भी आ रहा है। कहाँ पे जाना है? और ऊपर ऊपर किधर? लेकिन यही रास्ता है क्या? पाठक जल्दी आ रे, थक गया क्या? A few moments later. So, एक अपडेट देना चाहता हूँ आप लोगों को। हम लोग ट्रैक करते करते गलत जगह पे आ गए। बेसिकली इतना जो ऊपर हम चढ़े, 15 मिनट से जो चढ़े जा रहे हैं, वो हम गलत जगह पे आ गए। अभी हमें पता चला है कि जो फोर्ट है वो दूसरे माउंटेन पे है, क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ लोग दिखे, इसलिए वरना तो हम यहाँ पे चढ़ते ही जाते। बस अभी जल्दी जल्दी नीचे जाना है, दूसरा रास्ता पकड़ के सीधा ऊपर। आप है ना, अगर कोई वहाँ से एंट्री करके हुए आ रहा है ना, या आगे डॉमेट्री है, आप सीधा मत जाना प्लीज़। अगर कोई आ रहा है तो यहाँ से राइट, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, कहाँ पे गया वो रहा बोर्ड, यहाँ से राइट की तरफ एक रास्ता जाता है ऊपर की तरफ, ये रास्ता पकड़ना है। हमने खाली गलती कर दी और हम बिना पता किए वहाँ सीधे चले गए, 20 मिनट चढ़ लिया ऊपर, बाद में पता चला कि यार ये तो हम गलत आ गए। तो सही रास्ता ये है ऊपर जाने के लिए। अभी हमने मैप में भी चेक किया है, आगे आगे आके ये छोटा सा ब्रिज आता है, ये ब्रिज से अगर आप जाओगे या लेफ्ट राइट में, अभी फ़िलहाल पानी तो नहीं है, बारिश में अगर आप आओगे तो यहाँ पे शायद पानी मिल भी जाए, देखना आप लोगों को। बारिश में घूमने का मज़ा अलग ही होता है। अगर आप ऐसी सब जगह पे आ रहे हो तो आप लोग को वाटरफॉल भी दिखने मिलते हैं। आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये है माउली किला। ब्रिज से आके ये लगता है ये रास्ता जाता है, ये नहीं, ये वाला रास्ता एक अच्छी चीज़ की हुई है, बट फिर भी यहाँ पे ज़्यादा कचरा दिख रहा है। गाइज मेक श्योर कि यार प्लीज़, अगर आप लोग कहीं भी ऐसी जगह पे जाते हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कचरा मत फेंको ऐसे जगह पे। आप नेचर को गंदा कर रहे हो, आज तकलीफ़ दे रहे हो नेचर को, कल जाके नेचर आप लोगों को, हम सभी लोगों को तकलीफ़ देगी। फिर आप लोग बोलोगे कि ये क्या कर दिया नेचर ने। नेचर ऐसे ही कुछ नहीं करता है, उसको जब कुछ मिलता है बुरा, तब भी वो हमारे साथ बुरा करता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप रास्ते पे ऐसे सब कचरे ना फेंके। यहाँ पे फोटो सेशन चालू है, मैं भी एक फ़ोटो खिंचवा लूँ अपनी। ऐसे जगह पे आप आ रहे हो, चढ़ान है मानता हूँ, लेकिन इतना ट्रैक करने के बाद आप लोगों को जो व्यू मिलता है ना, टॉप क्लास होता है, टॉप क्लास। आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, मज़ा, ज़िंदगी का असली मज़ा तो माउंटेन्स में। और क्योंकि मेरा खून पहाड़ से है, उत्तराखंड से,
तो मुझे पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे आप व्यू देखो, इतना पीसफुल। माउली फोर्ट में चढ़ना मतलब बहुत ही थकान, बहुत ज़्यादा थकान। धूप भी एकदम सर पर है। यहाँ पे हम लोग ने रेस्ट लिया है 2-4 मिनट के लिए। यहाँ पे अगर पानी तो दो तीन बॉटल लेके आना पड़ता है। यहाँ पे पानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे कोई भी अगर ये वीडियो देखकर किसी को भी आना है तो ध्यान रखो कि भाई हर 10-15 मिनट में रुके ना, बिकॉज वो और थकान होती जाएगी, पानी ख़त्म होता जाएगा पी पी के। नज़ारा यहाँ का, नेचर की खूबसूरती, रियल ब्यूटी। हमें वो वहाँ पे जाना है अभी। फाइनली पहुंच चुके हम माउली फोर्ट। इतनी खुशी हो रही है मेरी, बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। इतना एग्जॉस्ट हो चुका हूँ कि कुछ बोल भी नहीं सकता, मेरे में बोलने की एनर्जी भी नहीं है। बट यहाँ पे आके आपको फीलिंग नेक्स्ट लेवल, टॉप क्लास। मैं बोल भी नहीं सकता, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को। अमेजिंग। मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए कुछ भी। इतना ट्रैकिंग करने आने के बाद, इतना चढ़ के आने के बाद ऐसा व्यू आपको अगर देखने मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, सही है। ट्रैक फाइनली कंप्लीट हो चुकी है हमारी, हम चढ़ चुके हैं ये फोर्ट पे। अभी फोर्ट आगे जा रहे हैं हम, यहाँ से 10 मिनट की वॉकिंग पे फोर्ट है एक। वहाँ पे एक पॉन्ड भी है पानी के लिए, वहाँ पे पानी पी सकते हो आप लोग। अच्छा, काफ़ी साफ़ सुथरा पानी है वहाँ पे। हर महीने आपको पानी दिखेगा, हर दिन, साल के हर दिन। यहाँ पे सभी लोग हैं। यहाँ पे भाई हमारे एक नए दोस्त मिल गए हमको, तरुण नाम है इनका, है ना भाई? तरुण भाई उल्लासनगर के है। ये है, नीचे की तरफ जाता है फोर्ट का रास्ता। बस यहाँ से नीचे की तरफ जाना है हमें भी, देखते हैं। ये पॉन्ड का पानी पी के मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। इतना ठंडा पानी, आप गर्मी में आ रहे हो इतना ट्रैकिंग करके ऊपर चढ़ान में, और आपको ये ठंडा पानी मिल जाए तो जन्नत है, जन्नत। मैं भी डाउन लग रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा।
बट थोड़े टाइम में एनर्जी आ जाएगी मेरी, बिकॉज इतना ट्रैकिंग करने के बाद हालत नहीं होती है। यहाँ पे आप देखोगे अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है छोटी सी, और यहाँ नीचे की तरफ फोर्ट है उनका, और यहाँ पे भी उनकी मूर्ति है। यहाँ पे सोलार लाइट लगा रखी है रात के टाइम पे, सो दैट वो रातों रात जलते ही रहे। बहुत ही पीसफुल जगह है ये। ये फोर्ट जंगल के बीचों बीच है, एकदम बीचों बीच। आप देखोगे नेचर पूरा ग्रीनरी है। गाइज ये है महादरवाज़ा, ये एक छोटा सा फोर्ट है। अंदर की तरफ आओगे आप, अब केव्स भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे लोग रात को स्टे करते हैं। यार ऐसा फोर्ट तो मैं पहली बार ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। नीचे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा। बेसिकली वो महादरवाज़ा जो है वहाँ पे सिर्फ रात को आप स्टे कर सकते हो। रात के टाइम पे बहुत ही अच्छा क्लाइमेट होता है यहाँ पे। हम लोग ने लोगों से बात भी की, उन लोग ने बोला भी है कि यहाँ पे स्टे कर सकते हो आप, खाना पीना आप यहाँ पे आके आपको बनाना पड़ता है। तो लोग काफ़ी लोग करते हैं जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो लोग ज़्यादा यहाँ पे आते रहते हैं वो करते हैं यहाँ पे स्टे। और वहाँ पे बंदर है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदर दिखेंगे, बच के रहना। 1:30 बज रहे हैं और मैं बहुत थक चुके हैं, सोच रहे थोड़ा आराम कर ले। हम लोग ने एक गलती कर दी कि हमने खाना भी नहीं लाया कुछ खाने के लिए, कुछ लाते पेट में जाता कुछ एनर्जी तो आती। बाकी सब सोए हुए आराम से, तो मिलते हैं थोड़े टाइम में। मैं आप लोग को बताता हूँ हम कब निकलते हैं। तो गाइज़ आप लोगों ने देखा होगा अभी ये लोगों का क्लिप, एक छोटा सा। ये लोग यहाँ पे फोर्ट पे आके ये लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं, जो गंदगी लोग करते हैं उन लोगों की सफाई ये कर रहे थे अभी यहाँ पे। सो मैं ये एक्चुअली इन लोगों का टीम जो आप देख रहे हो, ये लोगों का NGO, ये लोग NGO चलाते हैं, उनके हेड है ये योगेश भाई। आपके NGO का नाम क्या है? The Yuva Unity Foundation है इनके NGO का नाम। और आप लोग इतनी ही टीम हो या और भी है? बहुत बड़ी टीम है हमारे एक्चुअली। हम अंबरनाथ में है, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, बहुत बड़ा काम करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे फोर्ट चढ़ना था, हम लोगों ने ये फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग टाइप अरेंज किया था। सो हम लोग 19 लोग यहाँ पे आए, हम लोग मॉर्निंग में 4 बजे से घर से निकले हुए। और यहाँ पे सिर्फ ट्रैकिंग नहीं करना था हमें, वी वॉन्ट टू गिव सम मैसेज टू कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं जब बहुत पढ़े लिखे होते हैं, और अक्सर अनपढ़ लोग जो गलती नहीं करते वो पढ़े लिखे कर देते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे प्लास्टिक के बॉटल्स, थर्मोकॉल के ग्लास प्लेट्स, ग्लासेस, ये सारी चीज़ें थी जो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है, एज वेल एज ये फोर्ट हमारा ऐतिहासिक वास्तु है तो इसको नुकसान होता है उससे। सही बात है। और आप लोग जो कर रहे हो बहुत बहुत सल्यूट है आप सभी लोगों को। मैं आप लोगों को सबकी तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज लोग समझते नहीं है आप लोग ये बात कि फोर्ट पे अगर आप आ रहे हो, ये हिस्टोरिक प्लेस है, आप लोग इसको प्लीज़ गंदा मत करो। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, जो भी सामान लेके आ रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप कैरी करके वापस जाओ। कचरा हो या कुछ भी हो, प्लास्टिक का कुछ भी छोटा सा टुकड़ा क्यों ना हो, क्योंकि ये लोग अभी जाते टाइम भी आप लोग सब प्लास्टिक कलेक्शन करते जाने वाले, आप लोग जितना चढ़ के आए हो हाँ उतना। सो आप लोगों को सोच के अंदाज़ा नहीं होगा, बट ये 2800 फुट ऊपर है, और नीचे जाना साफ़ सफाई करके हुए, जो रास्ते में कचरा दिखे उन लोगों को
वो साफ करना वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है. सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस एंड थैंक यू वेरी मच जो आप लोग कर रहे हो. आप अपना एनजीओ का नाम बता दो. द यूआई यूनिटी फाउंडेशन. गाइस मेक श्योर कि आप लोग इन जैसे लोगों को सपोर्ट करें जो यहाँ पे आके अपना टाइम दे रहे, एनवायरनमेंट क्लीन रख रहे और नेचर का ध्यान रख रहे. थैंक यू वेरी मच गाइस. थैंक यू. थैंक यू. अभी बस वापस जा रहे हैं. अभी हमें नीचे उतरना है. लंबा सफ़र था, काफ़ी लंबा सफ़र था. आप लोगों ने देखा होगा वो लोगों को, एनजीओ वाले बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. मैंने उनसे बात भी की, उन लोगों ने लॉकडाउन में काफ़ी लोगों की मदद की. वो लोग सिर्फ फोर्ट्स नहीं जाते, वो लोग बहुत ही सोशल वर्क करते हैं. एज एन लॉकडाउन में उन लोगों ने नीडी पीपल को खाने दिए और बहुत सी चीज़ें की, बहुत सी चीज़ें अभी भी करते हैं और आगे करते रहेंगे. उन लोगों को ये काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड आई विश ऐसे काफ़ी लोग और भी आए और उन लोगों की हेल्प करें सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन जॉइन एंड वर्क एज अ टीम. ऐसे लोगों को देख के बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज ये लोगों को एनवायरनमेंट, सोसाइटी, नेचर, इन लोगों को इनसे प्यार है. इन लोग इस चीज़ की कदर करते हैं और वो चाहते हैं कि ये एनवायरनमेंट ऐसे ही रहे साफ़ सुथरा, गंदगी ना हो बिल्कुल भी. सो आई विश देम अ लॉट ऑफ सक्सेस इन देयर लाइफ. ट्रैक फाइनली ख़त्म हो चुका है. मेरे चेहरे से तो लग ही रहा होगा आपको कितना होगा, कितना टायरिंग डे था, क्योंकि यार आसान नहीं है ट्रैक करना, बिल्कुल भी नहीं है. अभी हम जा रहे वापस. हमने जो सुबह खाया था मिसल पाव वही उसी पे थे हम. बीच में पानी जो था ऊपर पॉन्ड में पिया, आपने देखा होगा, और पानी के भरोसे ही थे हम. उसके बाद कुछ खाया नहीं. बस अभी एक अच्छा सा होटल देख के खाना खाना है, पेट भरना है बस, फिर उधर से निकलना है. निकलने में भी अभी शाम हो गया है क्योंकि 5 बज चुके हैं, तो जाते जाते तो लगभग टाइम 3 घंटे तो लग ही जाएंगे आराम से. ट्रैफिक होगा, 80 किलोमीटर्स है तो काफ़ी दूर है. वहाँ से निकले थे हम 5:30 बजे, आधा घंटा हो गया है, 6 बज चुके हैं और हमें कोई ढाबा मिला ही नहीं है अभी तक रास्ते पर. सो हमने तब तक सोचा कि क्यों ना एक एक ग्लास गन्ने का हो जाए. गन्ने का जूस, जैसे भूख में अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो गन्ने का जूस ही काम आता है. सो एक घंटे बाद हमें फाइनली एक रेस्टोरेंट मिला, होटल मिला यहाँ पे. ये गांव का नाम क्या है? ये अंबाली गांव का नाम है. यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट मिला, खाली है, पेट भर के खाली है, बहुत मज़ा आ गया. मेरे में तो एनर्जी अभी डबल हो चुकी है, डबल. अभी आप कुछ भी करवा लो मेरे से बस. बट अभी जाना है घर पे. 2.5 hours का जर्नी है यहाँ से बाइक से. मैं अपना जर्नी वीडियो का यही ख़त्म करता हूँ. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आया हो, आपको पता है क्या करना है, आपको लाइक करना है. पसंद नहीं आया तो भी लाइक करो. मैं एवरी वीक, जैसा कि मैंने आपको बोला था, हर एक वीडियोस लाता रहूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, हर एक प्लेसेस एक्सप्लोर करता रहूँगा. सो कीप सपोर्टिंग, कीप योर लव विद मी, कीप योर ब्लेसिंग्स विद मी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. अंटिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग. हर हर महादेव.